हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि भारत में 59 चाइनीज एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया है, तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम प्ले स्टोर में जाकर चेक करेंगे, लगभग बैन हुए 15 घंटे तो हो ही गए हैं। तो चलिए देखते हैं प्ले स्टोर में कि कितने एप्लीकेशन को हटा दिया गया है प्ले स्टोर से और कितने एप्लीकेशन अवेलेबल हैं अभी प्ले स्टोर में। जी हाँ, तो चलिए देख लेते हैं इन सभी एप्लीकेशन के बारे में। तो यहाँ पे देख लीजिए, हम प्ले स्टोर में आ गए हैं और सबसे पहले हम चेक करते हैं टिकटॉक को। जी हाँ, यहाँ पे देख लीजिए, हम टिकटॉक को सर्च करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए टिकटॉक को रिमूव कर दिया गया है। यहाँ पे आपको टिकटॉक एप्लीकेशन नहीं देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद से हम चेक करते हैं शेयरइट को। जी हाँ, शेयरइट का भी बहुत ज़्यादा डाउनलोडिंग है इंडिया में, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए 1 बिलियन से भी ज़्यादा इसके डाउनलोडिंग है और अभी ये डिलीट नहीं हुआ है। जी हाँ, यह एप्लीकेशन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा और अभी इसको डिलीट नहीं किया गया। अब चलिए हम चेक कर लेते हैं कवाई एप्लीकेशन को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम कवाई एप्लीकेशन, तो कवाई एप्लीकेशन को भी डिलीट कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पर भी आप शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर सकते थे। उसके बाद हम चेक करते हैं यूसी ब्राउजर को, ये भी बहुत ज़्यादा वायरल एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूसी ब्राउजर अभी भी अवेलेबल है, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा प्ले स्टोर में। उसके साथ ही अब हम चेक करते हैं बैडू मैप को, देखते हैं ये है कि नहीं। बैडू मैप, तो ये भी एप्लीकेशन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हम बात कर लेते हैं क्लेश ऑफ किंग का। जी हाँ, ये गेम है, तो चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं इसको बैन किया गया है या नहीं। क्लेश ऑफ किंग, तो यहाँ पे आपको ये गेम दिखाई दे रहा होगा, ये एप्लीकेशन अभी डिलीट नहीं हुआ है। जी हाँ, उसके बाद है हेलो ऐप, तो चलिए हम चेक कर लेते हैं हेलो ऐप डिलीट हुआ है या नहीं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलो ऐप डिलीट कर दिया गया। और यहाँ पे आपको रोपसो ऐप दिखाई दे रहा होगा। अगर अभी तक आपने इसको डाउनलोड नहीं किया है तो मैंने इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है, आप जाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको यूज करना है, कैसे वीडियो अपलोड करना है। 50 मिलियन इसकी डाउनलोडिंग यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं लाइकी एप्लीकेशन के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइकी एप्लीकेशन अभी भी अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख लीजिए 500 मिलियन इसकी डाउनलोडिंग है, वही एप्लीकेशन है, कोई दूसरा एप्लीकेशन नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं वायरस क्लीनर के बारे में, तो चलिए हम चेक कर लेते हैं इसको रिमूव किया गया है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा वायरस क्लीनर यहाँ पर पहले ही अवेलेबल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको भी अभी डिलीट नहीं किया गया है। उसके बाद से हम देख लेते हैं क्लब फैक्ट्री को, यहाँ पे हम चेक करते हैं क्लब फैक्ट्री ये। क्लब फैक्ट्री ये अभी भी अवेलेबल है, इसको भी डिलीट नहीं किया गया है। वी चैट को हम देख लेते हैं, वी चैट यहाँ पे सर्च करते हैं वी चैट, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये भी एप्लीकेशन 100 मिलियन से अधिक इसके डाउनलोडिंग है, वही एप्लीकेशन है, कोई दूसरा एप्लीकेशन नहीं है। अब हम जेंडर को चेक कर लेते हैं क्योंकि इसकी भी बहुत ज़्यादा डाउनलोडिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी एप्लीकेशन अभी डिलीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ पे अवेलेबल हैं। चलिए हम बीगो को देख लेते हैं, बीगो तो वैसे ही बंद होने वाला है, तो क्या इसको डिलीट किया गया है या फिर नहीं। बीगो वीडियो, तो ये एप्लीकेशन अभी भी यहाँ पर अवेलेबल दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, देख लीजिए। उसके साथ ही हम चेक कर लेते हैं और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, वी मेट को चेक कर लेते हैं, वी मेट, तो वी मेट तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आप देख लीजिए वी मेट यहाँ पे अवेलेबल है, अभी इसको भी डिलीट नहीं किया गया है। उसके साथ ही क्लीन मास्टर को भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, जितने भी वायरल एप्लीकेशन हैं उन सभी को हम चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से डिलीट हुए हैं और कौन कौन से डिलीट। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्लीन मास्टर 1 मिलियन से अधिक डाउनलोडिंग है, ये थोड़ा लग रहा है वो एप्लीकेशन नहीं है जिसको हम ढूंढ रहे हैं क्योंकि उसका 1 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोडिंग है। जी हाँ, और चलिए हम नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में हम देख लेते हैं स्वीट सेल्फी को, क्योंकि इसका भी बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं स्वीट सेल्फी। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा अभी भी ये एप्लीकेशन अवेलेबल है प्ले स्टोर में। उसके बाद से हम चेक कर लेते हैं वी फ्लाई एप्लीकेशन को। जी हाँ, चलिए हम चेक कर लेते हैं वी फ्लाई एप्लीकेशन को, तो ये एप्लीकेशन भी यहाँ पर अभी अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी बहुत सारे एप्लीकेशन रिमूव करना बाकी है, उन्हीं एप्लीकेशन को डिलीट किया गया, जैसे टिकटॉक हो गया, उसके बाद से कवाई एप्लीकेशन हो गया, हेलो ऐप हो गया, जो बहुत ज़्यादा ही वायरल हैं। जी हाँ, तो अभी उन्हीं सभी एप्लीकेशन को रिमूव किया गया प्ले स्टोर से, बाकी अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद से अब हम चेक कर लेते हैं कुछ और एप्लीकेशन के बारे में, जैसे हेगो ऐप हो गया, तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं उसको,
तो यहाँ पे ये भी एप्लीकेशन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अभी ये सभी रिमूव नहीं हुए हैं, सभी एप्लीकेशन अभी बाकी हैं, तो देखते हैं ये कब तक रिमूव होता है या फिर नहीं होता है। जी हाँ, आशा तो यही है कि ये दोबारा इंडिया में खुल ना जाए, जो एक बार बैन हो जाए उसको दोबारा वापस न लाया जाए। जैसा कि आपको पता है कि पहले भी बैन हुआ था टिकटॉक, लेकिन फिर से उसको अलाउ कर दिया गया था, लेकिन इस बार देखते हैं क्या होता है। आशा है कि कभी ये खुले ही नहीं। जी हाँ, इंडिया में दोबारा इसे अलाउ न किया जाए, हमेशा के लिए बैन कर दिया जाए। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि कितने एप्लीकेशन अभी बाकी हैं रिमूव करना। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।